वेलकम बैक ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम की जानिब से मैं हूं इंस्ट्रक्टर उस्मान शहबाज और कोरल ड्रॉ एक्स सिक्स ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में हम टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिस्टॉर्ट टूल और ड्रॉप शेडो और अनवेल्प टूल इन तीनों टूल्स का यूज़ सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। डिस्टॉर्ट टूल सेलेक्ट करने के लिए ब्लेंड टूल और कॉन टूल के बाद उस पर क्लिक करके रखें तो हमारे पास तीसरे नंबर पर डिस्टॉर्ट टूल नज़र आता है, सेलेक्ट कर लें। दोस्तों डिस्टॉर्ट टूल जो है ये हमारी किसी भी शेप के अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट्स डालने के लिए यूज़ होता है। डिस्टॉर्ट टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम ऐसे क्लिक को दबाए दबाए कहीं भी अपनी जो है ना शेप को खींच रहे हैं तो आप देखें मुख्तलिफ साइड पे खींचने से मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो है इसमें से बन रहे हैं। इसी तरह से हमने जो ये डिस्टॉर्शन क्लियर करनी है तो इस पर क्लिक कर दें। इसके मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं, यहाँ पर हम हैं इधर से हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है ये इस पर हम क्लिक करते हैं वो इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। फिर हम उसको गहरा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी, हम जैसा चाहें इसके अंदर उसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है डिस्टॉर्ट टूल है और इसके अंदर से हमारे ये जो हमारी जो शेप है उसकी मुख्तलिफ वर्किंग्स हो रही हैं। तो इसके अंदर जो है हम अपनी शेप को मुख्तलिफ एंगल पर खींचते हैं। अगर हम उसके अंदर कुछ और फंक्शन हैं हमारे पास, हम दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करें जी पर, तो आप ये देखें इसके अंदर से भी जो वो जिगजैग सा स्टाइल आ गया है। ठीक है, फिर आप इसके अंदर जितना ज़्यादा चाहते हैं इसको आगे खींचें और जितना कम चाहते हैं इसको पीछे खींचें, इसमें इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर है गोल ट्विस्टर, हम इसको कहीं घुमा सकते हैं किसी एंगल पे। देखिए हमने ये बनाया है, देख दिक को छोड़े तो देखें कैसा इसके अंदर ये जो है ये इफेक्ट बन गया। उस पूरी शेप को इसने जो है घुमा दिया। तो इस तरह से हम कोई भी वर्किंग बड़ी आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिस्टॉर्ट टूल के चंद यूज़ ये हैं, फिर और इसके अंदर हम काफ़ी वर्किंग कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी इस पर मेहनत करते हैं और जैसा डिज़ाइन चाहते हैं हम इसके अंदर से बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, कंप्लीट रोटेशन हमने 10 लिखा है, एंटर किया है तो ये घूम जाएगा। ये देखें काफ़ी ज़्यादा घूम गया है। इस तरह वो ज़ीरो था तो इसका ये था। यहाँ पर हम इसकी जो है ये जो पावर है ये भी ज़्यादा कर सकते हैं, हमने 50 लिखी है, अब हम 150 लिखते हैं तो आप देखें ये इसके अंदर जो वो अफेक्ट है वो और ज़्यादा घूमने लग गया। इस तरह से आप इसकी मुख्य चीज़ों में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर डिस्टॉर्शन क्लियर और सारी क्लियर करने के बाद ये अपनी असली हालत में आ जाएगा। डिस्टॉर्ट टूल के बाद हमारे पास जो ड्रॉप शेडो टूल है ये बहुत ही काम का टूल है और इसका इस्तेमाल हमें अक्सर जगह पर ज़रूरत पड़ेगी। क्लिक करते हैं। दोस्तों ड्रॉप शेडो जो है वो किसी भी हमारे अफेक्ट की किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो शेडो का अफेक्ट डालने के लिए यूज़ होता है। जैसा कि हमारे पास ये रेक्टेंगल है और हम अगर इसके चार कॉर्नर हैं, ठीक है, राइट बॉटम लेफ्ट और ये टॉप, जहाँ पे जाके हम क्लिक को दबा के रखते हैं और जो है शेप टूल से ऐसे ऊपर को क्लिक खींचते हैं वहाँ उसकी शेडो आ जाएगी। अभी हम इसके अंदर कुछ कलर फिल करते हैं, यहाँ पे हमने कोई कलर लगा दिया, ठीक है, अब आपको उसकी शेडो नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम उसकी शेडो को मुख्तलिफ जगह पर लेके जा सकते हैं, उसकी जो है एंगल वगैरह बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको रिमूव कर रहे हैं। अब हम इसके नीचे से पकड़ के शेडो, क्योंकि हमें नीचे शेडो चाहिए तो जहाँ से पकड़ेंगे वहाँ से शेडो निकलेगी। अब ये नीचे से शेडो आ गई है, जितना खींचने खींच लें, जिस एंगल पर खींचने जैसे खींचने आप बड़ी आसानी के साथ इसको खींच सकते हैं। उसके अलावा इसकी मजीद सेटिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास सेंटर में ये जो हमें ये नज़र आ रहा है इसको हम क्लिक को दबाए दबाए अगर वाइट साइड पर ले जाएँ तो ये देखें हमारी जो शेडो है वो लाइट हो रही है। जैसे हम इसकी तरफ ब्लैक की तरफ आ रहे हैं उतनी ही डार्क होती जा रही है। तो हम इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम अपनी शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ ब्लैक है, आमतौर पे ब्लैक ही यूज़ होती है, पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ रेड कर रहा हूँ तो देखें रेड होगी, डार्क करनी है तो इधर, लाइट करनी है तो इधर, जैसे चाहें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मजीद कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है, ये देखें इसका एंगल वहाँ से, ये बेहतर ये है कि आप उसको वहाँ से एंगल पकड़ के करें ताकि आपको सामने नज़र आए कि यह है कौन सा एंगल मेरे लिए बेहतर है, कैसे मैं चाहता हूँ। इसी तरह फिर आप उसके अंदर इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा ये वाजे कर लेते हैं, ये देखें इसकी जो ट्रांसपेरेंसी की है वैल्यू वो हम ज़्यादा दें, जैसे यहाँ से हम करते हैं गहरी होगी यहाँ से हल्की होगी, यही चीज़ हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से फुल गहरी होगी यहाँ से हल्की होगी। इसी तरह से हम इस शेडो का फैलाव भी सेट कर सकते हैं कि शेडो फैली हुई आ जाए। अब देखिए शेडो के अंदर फैलाव वाला इफेक्ट आ गया, फैल गई है शेडो। इस तरह से हम इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की चेंजिंग कर सकते हैं।
उसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ये एवरेज हुआ हुआ है आउटसाइड करेंगे तो बाहर वाली साइड पे हो जाएगा इकट्ठा, मिडिल करेंगे दरमियान में आ जाएगी शेडो, इनसाइड करेंगे तो वो अंदर अंदर आ जाएगी। इसी तरह हम यहाँ से और इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं, ये इसका इसके अंदर जो है ग्लो सा इफेक्ट आ गया, इसके अंदर फेड सा आ गया, यानी कि इसके अंदर जो है एक अलग से धुंध सी आ गई है। इसके अंदर हम यहाँ से इसके अंदर और इफेक्ट भी इसके चेंज कर सकते हैं। देखें हम ज़रा इसको वापस असली हालत में लेके आते हैं और इसकी जो है ये ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं ताकि ये वादे नजर आए, ज़रा कर लेते हैं इसको फुल और इसको कम कर लेते हैं, फैट कम हो जाए। अब हम इसके अंदर से इस चीज़ का यूज़ देखते हैं, इस ऑप्शन से क्या हो रहा है ये देखिए, ठीक है। इससे भी इसका लंबाई के हिसाब से एंगल चेंज हुआ है। इस पे करेंगे क्लियर ड्रॉप शेडो तो शेडो खत्म हो जाएगी। अब हम एक इसको रिमूव करते हैं, हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, उसको हमने ये कलर लगाया हुआ है, आउटलाइन पे आके हमने राइट क्लिक किया है ताकि उसकी आउटलाइन खत्म हो जाए, नो आउटलाइन। तो अब हम अगर देखें ये एक सिंपल ड्राइंग की तरह का एक सिंपल सर्कल लग रहा है, हम इसमें रियलास्टिक सा इफेक्ट लाना चाहते हैं तो सिंपल एक ड्रॉप शेडो से देखें कितना प्यारा इफेक्ट आ जाएगा। ड्रॉप शेडो को हमने सेलेक्ट कर लिया है, सर्कल के नीचे क्लिक को दबाए दबाए हमने जो है इसको खींचे और यहाँ पे तकरीबन 5 लेवल पे ला के छोड़ दिए। अब ये देखें कितना रियल इफेक्ट आने लग गया, सिर्फ इस शेडो की वजह से ऐसे लग रहा है कि ये गेंद रियल में कोई पड़ा हुआ है और उसका जो साया है शेडो है वो ज़मीन पर पड़ रहा है, उसकी हम इस तरह से एंगल भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो है ये अलग हो जाए, शेडो अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, तो ये भी बड़ा इजी मेथड है। दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस के ब्रेक अपार्ट की शॉर्टकट की, या फिर अरेंज में ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट क्लिक करें, शेडो अलग हो गई, वो अलग हो गया। अब आप शेडो को अलग से एडजस्ट कर सकते हैं, साइज भी छोटा कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी ड्रॉप शेडो है। एक एग्जांपल हम इसका रेक्टेंगल पे देखने लगे, हम रेक्टेंगल हमने बना लिया, कलर उसको कोई लगा दिया और हमने इसकी जो आउटलाइन है उसको ख़त्म कर दिया और इसके जो साइड हैं वो उनको हमने राउंडेड कर दिया। अब ये भी एक ड्राइंग की तरह का लग रहा है, हम इस पर इलास्टिक इफेक्ट लाना चाहते हैं, हमने शेडो ले ली है ड्रॉप शेडो, नीचे से पकड़ के इसको क्लिक को दबाए दबाए नीचे खींचा है, ये देखें शेडो आने लग गई है। अब ये कुछ अच्छा तो हो गया है, पर इसको और इलास्टिक करने के लिए हम ऐसा करते हैं दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस के ब्रेक अपार्ट, शेप अलग हो गई और वो अलग हो गई, हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। शेप को अलग करने का मकसद क्या था, हम शेप का साइज छोटा कर सकें, और अब हम इसको यहाँ पर ला के रखते हैं। तो अब आप देखें कितना साफ और खूबसूरत इफेक्ट आने लग गया, जैसा कि ये कोई चीज़ वाजिया तौर पर हमारी ये जो कोई चीज़ है वो खड़ी हुई है, इसके ऊपर अब आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ये हमारा था ड्रॉप शेडो का जो यूज़। इसके बाद जो हमारे पास है एनवेल्प टूल है, एनवेल्प टूल भी जो है हमारी जो शेप है शेडो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो वो कर्व की तरह की वर्किंग करता है, तो यहाँ से हमारे पास ड्रॉप शेडो के नीचे एनवेल्प टूल, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कहीं भी किसी भी एंगल पर खींच सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये कोई जो है मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा ये हमारे कर्व से मिलती, कर्व वाली वर्किंग और शेप टूल वगैरह से मिलती जुलती है और इसकी वर्किंग उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, ठीक है। देखिए हमने कैसे इसका एंगल चेंज कर दिया और अब ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुड़ी हुई चीज़ होती है या इस तरह का इफेक्ट इसके अंदर से आ रहा है। तो इस तरह से हम इसके अंदर और भी बहुत से इफेक्ट हैं वो डाल सकते हैं, एनवेलप टूल है ये हमारे पास, फ्रीली इसको कहीं भी खींच सकते हैं, कोई भी इसके अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बड़े इजीली हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो वर्किंग है वो कर्व वगैरह से मिलती है। तो इंशाल्लाह इसका हम यूज़ आगे देखें। तो ये हमारे जो है कुछ एनवेल्प टूल के यूज़ हैं, इसके अंदर से हम फ्री हैंड टूल है, रेक्टेंगुलर है, इसमें इसका मूड चेंज हो जाता है, इस तरह से आप इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो कर्व की रिलेटेड जो है हम सेटिंग कर सकते हैं, हैंडल्स वगैरह बने हुए हैं हमारे पास, तो हम इसमें से बड़ी आसानी से इस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। तो ये हमारा अनवेल टूल है, ठीक है। उसके बाद जो है इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे हैं वो लेक्चर में एक्सट्रू टूल और ट्रांसपेरेंसी टूल है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।